चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली की सियासत का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कस ली है, वहीं नेता भी दंगल में उतर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता की जंग अब इतनी आसान नहीं है। सवाल वही है, अब की बार किसका होगा बेड़ा पार? अब की बार फिर मोदी सरकार या फिर महागठबंधन की होगी नैया पार? 90 करोड़ वोटर किसे बनाएंगे किंग और किसे बनाएंगे किंग मेकर? 2019 की शुरुआत के साथ ही देश के मन में ये सवाल कुलबुलाने लगे हैं, साथ ही ये सवाल भी कि जनता कब करेगी मतदान और किस दिन आएगा चुनाव का रिजल्ट। आखिर 10 मार्च की शाम चुनाव आयोग ने इन सवालों के जवाब साफ कर दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6 मई, सिक्स्थ फेज 12 मई, फेज 7 19 मई एंड ऑल काउंटिंग्स 23 मई। फेज 1 91 constituencies, 20 states. Phase 2, 97 constituencies, 13 states. Phase 3, 115 constituencies, 14 states. Phase 4, 71 constituencies, 9 states. Phase 5, 51 constituencies, 7 states. Phase 6, 59 constituencies, 7 states. एंड फेज 7 59 constituencies 8 states। इस बार सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। उम्मीदवारों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है, इसके अलावा फॉर्म 26A भी भरना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चुनावों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गयी है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा। किसी भी तरह के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार एक ऐप भी लॉन्च होगा, जिसकी मदद से कोई भी मतदाता किसी भी नियम के उल्लंघन को कैमरे में कैद कर सीधे हमें भेज सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बार समाधान वेब पोर्टल भी होगा, आम जनता इस पोर्टल के जरिए फीडबैक दे पाएगी। साथ ही सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा भी होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिन्होंने कहा कि 7 फेजेस में चुनाव होंगे। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चैनल वाले हम लोग और प्रिंट वाले न्यूज़पेपर्स भी आपको बता रहे हैं कि 7 फेजेस में चुनाव होंगे, जबकि व्हाट्सएप में कहा जा रहा है, एक जोक चल रहा है कि 2 फेजेस में चुनाव होंगे। पहले फेज में चुनाव तब होंगे जब नेता आपके चरणों में होंगे और दूसरा फेज वो होगा जब आप नेताओं के चरणों में होंगे। ये जोक ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है और हमें वोट करना है, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। इस अपील के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करा दूं, यशवी राघव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अतुल सक्सेना जुड़ रहे हैं जो कि एसपी लीडर हैं, हमारे साथ अजय रे टीएमसी लीडर जुड़ रहे हैं, अभिषेक यादव आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। और आते साथ ही यशवी राघव ने बोल दिया कि एक वो हैं और 3 विपक्ष के नेता हैं। जीविया शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, तो आप एक और वो 3 खाली हाथ, जिस तरह शोले का डायलॉग है। मुझे एक बात बताइए यशवी, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शंस, 7 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष पहले से ही आरोप लगाना शुरू हो गया है कि आपकी तो 7 उंगलियां घी में है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो कहां भागते फिरेंगे आपके पीछे? देखिए, फेजेस, 7 फेजेस में चुनाव करना ये चुनाव आयोग का निर्णय है। पिछली बार 9 फेजेस में हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, इस बड़ी स्टेज के स्प्रिंकल्ड स्कैटर्ड जो चुनाव, ये देखिए, चुनाव आयोग एक बिल्कुल निष्पक्ष एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसने जो निर्णय लिया है वो अपने सोच समझ के लिया होगा, जिस प्रकार से वो चाहती है कि पूरे स्वस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो 2019 का चुनाव है, 2014 चुनाव के अंतर क्या है? 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद मुद्दों पे बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 फेजेस में जिस तरह से स्टैगर्ड इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ये सब 7 फेजेस में वोटिंग हो रही है, आप इसे खुश हैं?
आपको ये स्वागत। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है हम उसके हिसाब से चुनाव मैदान में आएंगे और उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक, चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से चलना चाहिए। अभिषेक देखिए, 7 फेजों में हुआ है, मैं इलेक्शन कमीशन का स्वागत करता हूं, लेकिन जब आपके पास इतनी रिसोर्सेस हैं, सारा चीज है, ये टाइमिंग जो है थोड़ा गैपिंग ज्यादा हो गया है। मेरे हिसाब से 5 फेज 4 फेज हो सकता था, चलो 7 फेज ठीक है, लेकिन अब बिगुल बच चुका है, अब गेम जनता के हाथ में है, जनता जवाब देगी, इनके 5 सालों का हिसाब मांगेगी, 5 सालों में इन्होंने क्या किया है, काला धन नहीं आया, बेरोजगारी बढ़ी है, और जितने भी इनके तमाम जुमले सब जो बात, मतलब बिहार में जैसे 7 फेजेस में चुनाव है, 3 या 4 में भी निपटाया जा सकता था, आपको लगता है कि ठीक है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, बहुत ब्रीफली रिएक्शन दे सकते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि बिहार में इनकी एक झूठे बात कर रहे हैं कि इतनी सुशासन है, फिर ये 7 फेज में क्यों करवा रहे हैं? हाँ, जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है और आपका सुशासन है तो फिर आप 3 या 4 फेज में निपटा सकते थे, ये आपका पॉइंट है। क्विकली अजय रे, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? आयोग के सारे निर्णय को हम समर्थन करते हैं, पर मुझे लगता है 7 फेजेस नहीं होने चाहिए थे। अगर कम में होते तो आम लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जो वंचित रहेंगे, वो पश्चिम बंगाल की सरकार जो काम कर रही है उनसे लगभग 1.5 से 2 महीने तक लोग उस सुविधाओं को नहीं पा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां अन्य जगहों पे एक फेज पे चुनाव हो रहा है इतनी सीटों पे, वहां पश्चिम बंगाल में भी देखिए 42 दिनों में भी अगर चुनाव होता तो 42 सीटें हमारी ही होती। लेकिन मैं चाहूंगा, हम चाहते हैं कि अगर चुनाव 7 फेजेस में नहीं होता और कम में होती तो बेहतर होता, अच्छा होता। ठीक है, शिव पूजन हमारे साथ फील्ड से जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, यहाँ पर खास तौर से बिहार को लेकर कहा गया, अभिषेक ने यह सवाल उठाया कि अगर सुशासन बाबू का राज है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, तो 3 से 4 फेजेस में निपट सकता था, फिर 7 फेजेस में चुनाव क्यों? बिहार की जनता इसे किस तरह से ले रही है? देखिए, जाहिर तौर पर अब चूंकि चुनाव का बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है तो तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। एक लंबी प्रक्रिया होगी पूरे चुनाव की, 7 फेजेस में बिहार में होने, और पार्टियों का कईयों का मानना है उन्हें वक्त मिलेगा प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि अभी तक प्रचार प्रसार यहां शुरू जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल ये कि महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है, सिर्फ फुटोवल की स्थिति अभी भी महागठबंधन में बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 7 चरण में चुनाव होना है, कम चरणों में भी चुनाव हो सकता था, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में बिहार में? अब माहौल बहुत अच्छा रहेगा, चुनाव का अच्छा रिजल्ट आएगा, ये अब लगता है कि मतलब अब चुनाव बहुत अच्छी तरीके से होगी, अच्छी तरीके से होगा। और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया गया उससे लगता है कि कुछ फायदा हो सकता है भाजपा को, या फिर आपको लगता है कि जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, राफेल का, इससे घाटा होगा भाजपा को? नहीं, ये इससे तो लगता है कि भाजपा का अब थोड़ा कुछ अच्छा होगा, भाजपा मतलब कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। भाजपा का 56 इंच का सीना दिखाया नरेंद्र मोदी ने, एकदम दिखाया, हम भी दिखा सकते हैं। 350 से पार अब की बार भाजपा सरकार, 350 से पार दोबारा 100%, 120% भाजपा के वोट मिलने वाली है। तो ये है प्रतिक्रिया, महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक रखी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन ये कार्यकर्ता है जो जनता माजी आल के दिनों में 350 तो शायद रफ एस्टिमेट बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे के नहीं होंगे। आपको बता दें कि पॉलिटिकली बहुत शायद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के यही माहौल पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जो भी है वो रेडिकल थॉट प्रोसेस होता है, जिस भी दिशा में ये बात करें रेडिकल बात करते हैं, और यही खूबी है बिहार के और खास करके उत्तर प्रदेश की, कि लोग बेबाकी से राजनीति पर अपनी टिप्पणी देते हैं। ठीक है जीवीआर शास्त्री जी, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, अभी तक जितने गेस्ट जुड़े हैं आपने उनको सुन लिया, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये लॉपसाइडेड मामला हो गया है कि 7 फेजेस में खास तौर से बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये तीनों की स्टेट्स हैं बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए दिल्ली में वहां पर हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? यहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, अपनी सोच में चलता है, लेकिन ऐसा है ना, मैं तो उनको पूरा इस तरीके से बात करता हूं, क्योंकि ये ऑपरेशनल रिसर्च का मामला है, उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बनाया, इससे ऐसा लगता है 23 अप्रैल तक कम से कम 303 सीटों की पार्लियामेंट सीटों की चुनाव खत्म हो जाती है। और पहली फेज में जो खत्म होती है वो 42 दिन वोटिंग मशीन को रखना होगा,
दूसरी फेज में जो होता है उसको 35 दिन वोटिंग मशीन वो रखना होगा, तीसरी दिन में 23 जो फेज में हो रहा है वो 30 दिन को रखना होगा, चौथी में 24 दिन को रखना होगा। मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये ऑपरेशनल रिसर्च का डिफीट है। ये चुनाव आयोग विद इन अवेलेबल रिसोर्स विद इन अवेलेबल टाइम उसका ऑब्जेक्टिव है फ्री फेयर एंड पीसफुल, ये ऑब्जेक्टिव डिफीट तो नहीं कर रहा है कहीं। क्या इनकी ज्ञान और परिज्ञान ऐसी नीचे गिर गए? हम लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके से भाषा नौ लोग एक कहते हैं, हमारे पास फोर्सेस का तो पता है, हम समझते हैं। क्या फोर्सेस इनको अभी 10 दिन में मिल जाएंगे? 10-15 दिन में फोर्सेस मिल जाएंगे इनको जो 91 सीट का ये कर रहे थे 20 राष्ट्रों में? तो 300 आप देखिए, विडंबना देखिए, 300 सीट को जो चुनाव जो करते हैं 23 अप्रैल से पहले, बाद में करते हैं 240 सीटें हैं पूरा मैं एंड तक मई 23 तक, और ये रखेंगे क्या? मशीन है, मशीन को किस तरीके से स्टोर करते हैं? नहीं मैं जीवीआर शास्त्री, एक उसमें मसला ये हो जाता है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण है और उसमें ये कहा जाता है कि फोर्सेस को ना सिर्फ मूव करना है बल्कि कहीं पे एग्जाम्स की भी कंसिडरेशन होती है, 50 तरह की कंसिडरेशन होती है। वो सारा बात समझ गया, लेकिन मेरा उनका मुद्दा मैं समझ लेता हूँ, ये बैलेट से वोट कराएंगे तो बैलेट को 365 दिन भी स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन मशीन को 2 दिन, हमारा गाड़ी हम 3 दिन बाहर रख के छोड़ के चले जाएंगे तो 14 दिन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट है, दिव्या शास्त्री कह रहे हैं, देखिए 91 फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, 97 18 अप्रैल को जो सेकंड फेज की सीटें हैं और 115 सीटें 13 अप्रैल, तो उनका कहना यह है कि लगभग 300 से ऊपर सीटों का फर्स्ट 3 फेजेज में हो रहा है, तो बाकी इतना ज्यादा स्कैटर करने की क्या जरूरत थी? यशवी, मैं इसमें एक बात शास्त्री जी को भी जानकारी दे दूं कि जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव आयोग ने जो टाइम पीरियड दिया था पूरे चुनाव का, फर्स्ट डे से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होते, उससे 7 दिन कम इस बार चुनाव आयोग ने समय लगाया, प्लस 2 फेजेस कम लगाए, तो इसके लिए तो अभिनंदन होना चाहिए चुनाव आयोग का। दूसरी बात क्या है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है लगातार, जिस प्रकार से हमारे अभिषेक जी ने, आरजेडी के मित्र ने और टीएमसी के मित्र ने और राजनीतिक विशेषक, कांग्रेसी राजनीतिक विशेषक ने जिस तरह से चुनाव आयोग को आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा देगा तो वो कांग्रेस ही हो जाता है। आप चुनाव आयोग पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं राजनीतिक विश्लेषक बोल रहा हूँ, कांग्रेसी राजनीतिक विश्लेषक क्यों बोला? मतलब मैं भी सवाल, विचारधारा सबकी, नहीं विचारधारा तो सबकी होती है, मैंने प्रश्न मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर को रख सकता था, पिछले पीछे ले जाना चाहते हैं, कितने वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं? एक मिनट यशवीर, संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं होते, ठीक है ना? तो अगर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने जो प्रक्रियाएं की हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो कांग्रेस कैसे हो गए? शास्त्री जी ने, मैं बता रहा हूँ ना शास्त्री जी, मैं उसी बात से जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, आप पहले शब्द वापस लीजिए, आप पैनलिस्ट इस तरह से अटैक नहीं, मैंने अब कह रहा हूँ ना, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेसी नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है शास्त्री जी, शास्त्री जी को मेरी बात सुनिए, शास्त्री जी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर को रखना बड़ा आसान हो जाता है, मशीन को रखना मुश्किल है, कैसे मतलब देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इतने वर्षों बाद जब बैलेट पेपर से हम मशीन पर आए हैं, लोगों का विश्वास जागा है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, चुनाव आयोग ने इस बार सबसे अच्छा जो किया है, जो 23 मई को परिणाम आने के बाद 24 मई को जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं और कांग्रेस हैं, उनके पास एक मुद्दा तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो जाएगा ईवीएम पर आरोप लगाने का, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने वीवीपैट की व्यवस्था की है, वीवीपैट की जो व्यवस्था की है ना, 10 लाख के 10 लाख बूथों पर, यह बड़ी अच्छी बात है, तो इनके पास 24 मई को आरोप लगाने का मुद्दा खत्म हो जाएगा, से लेना देना नहीं है, यू आर आंसरिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर को रख लेते, बैलेट पेपर से जोड़ा। अच्छा, इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यशवीर, चाहूंगी आप उसके ऊपर भी रिएक्ट करें। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये आ रही है कि रमजान में चुनाव पर अब सवाल उठ रहे हैं, फिरंगी महली ने तारीखों पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि 6 से 19 मई के बीच में चुनाव है क्योंकि रोजेदारों को चुनाव में परेशानियां होंगी। फिरंगी महली, आयोग को रमजान का ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने ये बात कही है, यानी कि एक और एंगल इसमें जुड़ गया। कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की है उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा, अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा, और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है,
कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें। तो रमजान के दौरान चुनावों को लेकर अब फिरंगी महली ने यहां पर सवाल उठाए। यशवीर आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। भोपाल से हमारे साथ सरस्वती चंद भी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ जो अजय रे हैं और अभिषेक यादव, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा। आप चुनाव हार रहे होते हैं और आप सीधे सीधे या तो ईवीएम पे सवाल उठा दीजिए या चुनाव आयोग पे सवाल उठा दीजिए, क्यों? ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक बात, स्वागत है आपका, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यशवीर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि आप सवाल का जवाब दे रहे थे कि आखिरकार अब तो फिरंगी महली ने भी बोल दिया है कि रमजान के दौरान अगर चुनाव होंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी। ये देखिए, उन्होंने कल चुनाव आयोग के कमिश्नर साहब ने भी क्लियर कहा था कि हमने सभी त्योहारों, सभी परीक्षाओं की डेटशीट्स को देख के हमने तारीखों का, तिथियों का निर्धारण किया है। अगर इसमें कुछ तरह का कोई बीच में शिकायतें आ रही हैं तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कोई निर्णय करने वाला नहीं। ओपन माइंडेड है कि अगर अब तो एक बार चुनावी ये पूरा का पूरा जैसे टाइम टेबल रोल आउट हो गया है, तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है। अगर जी मुझे, मैं इस बात को क्लियरली कह रहा हूं, पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूं कि अगर किसी ने, किसी धर्म गुरु ने किसी विषय को लेकर, त्योहार को लेकर तारीखों के लिए कुछ अंदेशा दिया है, कुछ आग्रह किया है, तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है। चुनाव आयोग के में जाकर वो कंप्लेंट करे कि जी इन तिथियों को ऊपर नीचे कर दिए। अगर चुनाव आयोग के जुरिडिक्शन में होगा डेट्स को चेंज करना तो करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? अजय, जो इन्होंने सवाल उठाया था कि आप चुनाव हार रहे होते हैं और तुरंत ईवीएम को कभी दोष दे दीजिएगा, कभी आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे दीजिएगा, कभी बोलिएगा चले जाइए 30 साल पीछे, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम सचमुच चुनाव हार रहे हैं? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं आंचल जी, 2014 के इलेक्शन में जब सेंट्रल फोर्स अपनी मनमानी कर चुकी थी पश्चिम बंगाल में, घरों को तोड़ा गया था, घर में घुसकर मारा गया था, मैं तब पूछ रहा हूं आपको, क्या हम चुनाव हार रहे हैं? अजय, एक पर्सपेक्टिव है, अगर हम अभी तक के ओपिनियन पोल्स के हिसाब से चलें तो एनडीए ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और जो विपक्ष है वो स्टिकी विकेट पे है, तो उस प्रिमाइस के ऊपर अगर आप आगे बढ़ें। आचल जी, मैं क्योंकि कांग्रेस देखिए, 3 राज्य हिंदी हार्टलैंड के जीती, तब तो उसने सवाल नहीं उठाया ईवीएम पर, वैसे गाये बगाये जहां पर हारती है सवाल उठाती है, सो उसका क्या लॉजिक है? हम चुनाव नहीं हार रहे, हमने चुनाव हारा नहीं, हम नहीं हार रहे और पूरे 42 में 42 सीटें हमारी होंगी। दूसरी बात, बैलेट बैंकिंग क्या होती है? आप अगर लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड देखें, फ्रांस, यूएसए, इनफैक्ट ग्लोबल, पूरा ग्लोबल अगर आप देखें, ग्लोब को देखें, तो मोस्टली कवर्ड बाय बैलेट बैंकिंग होंगे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या वो बिलीव नहीं करते ईवीएम पे? बैलेट बैंकिंग सबसे ज्यादा किया जाता है चाइना में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोपियन स्टेट मोस्टली बैलेट बैंकिंग पर डिपेंड करती है। सवाल लोग पूछ ही सकते हैं, आपके निर्णय हो ही सकते हैं, ममता बनर्जी या और पार्टियां यह कह ही सकती है कि बैलेट बैंकिंग ज्यादा अच्छी होती है। इससे ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं कि हम हार जा रहे हैं या हमें हारने का डर है, हम जीते हैं, जीत रहे हैं, आगे भी जीते ठीक है। अजय, डिजिटल इंडिया के जमाने में आप फिर से बैलेट पर जाने की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक रूल आउट हो चुकी है, ये पर्सपेक्टिव और ओपिनियन आपका है, डेमोक्रेसी में हर एक को ओपिनियन रखने का हक है। एक छोटे से महापर्व शुरू होने वाला है और गेंद वी द पीपल यानी कि जनता के पाले में है। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी सरस्वती चंद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वहां जनता का मूड क्या है, और खास तौर से अब ये जो केंद्र वर्सेस न्यू कांग्रेस सरकार वहां पर होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? जनता ये मानती है कि स्टेट के अंदर कांग्रेस को चुन लिया ठीक है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। टीना फैक्टर, जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सत्ता में मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, लेकिन अब लोगों से मूड जानने की कोशिश करते हैं कि अब केंद्र के चुनाव हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार या फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार ही आना चाहिए साहब, मोदी सरकार ही आएगी। क्यों? मोदी है तो सर मुमकिन है, मोदी नहीं तो सर मुमकिन नहीं है सर इंडिया का। मोदी है तो मुमकिन है, क्या लगता है? क्यों मोदी? मोदी मोदी क्या क्या काम किया है मोदी जी? बहुत कुछ करा है मोदी ने। मोदी जी ने बहुत कुछ करा था। क्या काम किया है? अरे मोदी जी ने साहब इतना काम करा है कि जो आज तक कोई भी नहीं आया प्रधानमंत्री इस टाइप का जो अभी है मोदी जी, और आने वाले टाइम में भी इनको आना चाहिए।
मोदी और कौन है? कांग्रेस नहीं? नहीं, कांग्रेस नहीं। अब की बार मोदी सरकार फिर आना चाहिए। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं के लिए अच्छा काम किया है, और जितनी भी योजना बनाई उनने बहुत अच्छी योजना चलाई है। अच्छा, लेकिन नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, इसको लेकर तो महंगाई बढ़ी है और लोगों में काफी नाराजगी थी। नहीं लगता वो नाराजगी है? महंगाई तो कांग्रेस सरकार में बढ़ी थी। उस टाइम में तो दाल 120-130 रुपए किलो थी। आज बीजेपी की सरकार 60-70 रुपए किलो दाल हो गई है। डीजल के भाव बढ़े हैं, तो अपने देश में डीजल बनता है, डीजल तो बाहर से आता है ना, उसमें सरकार। तो आपको लगता है मोदी सरकार ही अच्छी सरकार है, अब फिर चुनेंगे सरकार? मोदी की सरकार ही देश में चाहिए और अच्छी। आप युवा हैं, बेरोजगारी की बात बहुत होती है, रोजगार नहीं है, तो लगता है मोदी सरकार ने बहुत कुछ रोजगार बहुत कुछ किया है? सर, मोदी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट के तहत उन्होंने योजनाएं निकाली है और युवाओं के लिए उन्होंने इतना सम्मान दिया है कि कांग्रेस के समय इतना नहीं था सर, जो आज मोदी की सरकार में है। तो स्किल डेवलपमेंट के अलावा मोदी सरकार ने काफी कुछ दिया है, आप भी बता दीजिए, युवा हैं आप, लगता है काफी कुछ रोजगार दिया है या मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इतने सालों में कांग्रेस ने? आपके पास फिर से आएंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी यतेंद्र भी इस वक्त जुड़ गए हैं विजय चौक से। मोदी सरकार ने काम किया है, मोदी है तो मुमकिन है, ये कम से कम पांच लोग जो खड़े हुए थे हमारे सहयोगी के साथ भोपाल में, उन्होंने ये कहा यतेंद्र। लेकिन इंटरनल सर्वे बीजेपी के क्या कह रहे हैं, खासतौर से अगर 2014 में रिकॉर्ड 282 सीटें जीती थी और अपने काम के ऊपर इतना गुमान है और कॉन्फिडेंस है, तो कितने सांसदों को रिपीट करेगी बीजेपी, इस बाबत कोई खबर? देखिए आंचल, बिल्कुल अगर बात करें जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, तो बीजेपी को लग रहा है कि जो काम किया और खासकर विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा दिया वो उसी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, और बीजेपी को लगता है कि जितने काम पांच सालों में हुए हैं उतने काम पिछले की सरकारों के द्वारा नहीं किए गए, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा 2014 में बीजेपी ने सरकार आने के बाद दिया था, वो उस कसौटी पर बीजेपी अपने आप को सफल मान रही है। और अभी आपको बता दूं आंचल, तीन दिन तक अभी आरएसएस की बैठक जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है वो ग्वालियर में चली थी, और उसमें भी जो संघ की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, जो आकलन था, वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से रिपीट कर रही है। कुछ सीटें आगे पीछे जरूर हो सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार को फिलहाल दूसरी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पा रहा, इस तरह की रिपोर्ट थी। और संघ ने संतुष्टि जताई थी, खुशी जताई थी कि मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया, राम मंदिर को लेकर भी जो एक नाराजगी थी वो भी काफी हद तक दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है मोदी जो केंद्र में, वो राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्ध है, उसकी प्रतिबद्धता। एजेंडा सेट करने में तो मोदी को मात नहीं दी जा सकती है, अभी तक पिछले पांच साल में ये देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी लग रहा है पार्टी को है, और अगर वो है और सांसद के लेवल पे है, तो 282 में से कितनों को फिर से रिपीट किया जाएगा? क्योंकि अभी तक का मॉडल यही देखा गया है, बीजेपी की जो रणनीति रहती है वो यही रहती है कि चाहे वो लोकली इलेक्शंस क्यों ना हो, वो एमएलए को, सांसदों को बायपोल्स में या फिर कॉर्पोरेटर सबको रिपीट नहीं करते। देखिए आंचल, एक सर्वे इस बात पर भी किया गया था कि मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई कि नहीं आई, और ये कई एजेंसियों के द्वारा किया गया, बीजेपी ने अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच में किया गया, गांव चलो अभियान एक शुरू किया गया था, वहां से भी वो फीडबैक लिया गया है कि मोदी को लेकर आम लोगों की, जनता की क्या राय है। तो जो रिपोर्ट आई है वो यही है कि मोदी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उसके काम को लेकर किसी में भी कोई शक या प्रतिबद्धता को लेकर कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक सांसदों की बात है तो उनको लेकर काफी नाराजगी देखने को आई है, और बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार कम से कम इस पूरी रिपोर्ट को देखें, सांसदों की नाराजगी को देखें, जो सांसदों से लेकर नाराजगी है जनता को, तो उस आधार पर करीबन कम से कम 40% सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। इस तरह के मैसेज कई बार अमित शाह ने ऑफ द रिकॉर्ड भी मीडिया के माध्यम में दिए, और जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड हुई थी उसमें भी इस पूरे सांसदों का फीडबैक लिया गया था। उस फीडबैक के आधार पर कम से कम 40% सांसदों के वोट टिकट काटे जाएंगे, और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जिसमें वर्तमान विधायक भी मौजूद हैं जो टिकट की दौड़ में, जो कुछ राज्यसभा सांसद भी मौजूद हैं, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। यानी कि मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा वो इस बार उम्मीद है कि बीजेपी नए चेहरों को भी काफी बड़ी संख्या पैनल जुड़ा हुआ है। यशवीर, अगर क्विकली आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, हमारे सहयोगी यतेंद्र ने अभी कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों से नाराजगी है, 282 सांसद थे आपके 2014 में, और 40% सांसदों को आप रिपीट शायद ना करें। देखिए, ये निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीमान अमित शाह, मतलब उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तभी तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा होना भी चाहिए, अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आ रही है तो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड को निर्णय करना है। दूसरी बात क्या है कि जनता के बीच जाकर ये सर्वे हुए होंगे, अगर सर्वे में इस तरह का निकल के आता है और रिपीट नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि आपने ये बात बोली, अगर जनता की सेवा करना प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की सेवा काम अच्छा नहीं किया तो रिपीट करने का मतलब नहीं है। यशवीर, यू हैव बीन वेरी फेयर। हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में अब अतुल सक्सेना एसपी लीडर भी जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अभी अतेंद्र बता रहे थे ना कि मोदी के नाम से शुरू और मोदी के नाम पे खत्म, बीजेपी का जो पूरा का पूरा प्रचार और प्रसार रहेगा वो इसी पे रहेगा। मैं आपसे एक बहुत आम जनता की तरह सवाल पूछती हूँ, मेरी धोबन से लेकर मेरे LIC एजेंट तक वो आके यही सवाल पूछते हैं, मैडम मोदी नहीं तो कौन? ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अतुल सक्सेना जी, मैडम आचार्य जी, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए जैसा आपने कहा कि आपका जो हाउस होल्ड जो वर्कर है वो आपसे रोज ये सवाल पूछता है कि मोदी नहीं तो कौन। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जो गठबंधन की सरकार है वो हमेशा, यदि आप देखें, वो ज्यादा, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो गठबंधन की सरकार जरूरी है क्योंकि ज्यादा पारदर्शी होती है। क्योंकि अब जैसे आपने धोबन की बात कही तो अन्य अन्य दलों को ये लोग नहीं होती, वो तो कह रहे हैं ना, वो मजबूर भी होती है, जबकि बीजेपी मजबूत सरकार है, उन्होंने अपनी प्राइवेटाइजेशन दे दिया। देखिए आंचल जी, जब भी कोई बहुमत से सरकार होगी तो 2014 से और अब तक आपने देखा कि निर्णय थोपे जा रहे हैं, वो आम जनता पे थोपे जा रहे हैं, हाउस होल्ड वर्कर पे थोपे जा रहे हैं, लेबर पे थोपे जा रहे हैं, उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। जब भी लोग गठबंधन की सरकार, लेकिन आपका नुकसान तो हो रहा है ना, अगर तो जनता फिर भी मोदी को जाके वोट दे रही है, इसका मतलब है कि वो आप में फेथ ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं करती है। हम में फेथ नहीं होता तो मोदी जी क्यों कहते हैं महामिलावट हो रही है? मोदी जी डरे हुए हैं, आप में फेथ होता तो महागठबंधन महामिलावट करते ही क्यों? आप अकेले अकेले लड़ते, आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आप अकेले नहीं हरा सकते, अकेले प्रयास भी नहीं कर सकते, इसलिए तो महागठबंधन हो रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये महत्वाकांक्षा एनडीए में, सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन है, लेकिन नेतृत्व क्लियर है, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं, नेता स्पष्ट नहीं, हर चीज स्पष्ट है, महागठबंधन नहीं होता, महागठबंधन नहीं होता अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के काम में किसी को भी प्रशंसा लगता है। देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि आप ये बताइए, आप बताइए कि कौन सा मजदूर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खुश है? आप कैसी बात करें, 15 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को अभी खुश है? आप फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए, पता लग जाएगा। हम फील्ड में अभी तीन और फील्ड का समझ में नहीं आएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसमें भी आपका रिएक्शन लेंगे। एक मिनट अतुल जी, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में चुनाव ना कराने पर मायावती ने उठाए हैं सवाल, मोदी सरकार की नीतियों की विफलता है ये, मायावती लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं, ये सवाल उठाए मायावती ने। कल ही उमर अब्दुल्ला ने भी सबसे पहले ये सवाल उठाए थे कि जब वहीं पर ईवीएम लगनी है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा के चुनाव ना इकट्ठे कराने के पीछे क्या लॉजिक है? और आज मायावती की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आ गई है कि कश्मीर में चुनाव इकट्ठे होने चाहिए थे, लोकसभा और विधानसभा के भी। अतुल सक्सेना, सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है, आपने फिर से कश्मीर को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं, लेकिन सच ये है कि आखिरकार अगर आप वोटर्स का इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, आप उसको बूथ तक ना लेकर आ पा रहे हैं, और खासतौर से यूपी जहां से सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है, ये तमाम सर्वे ने बोल दिया था, रॉकेट साइंस नहीं है कि महागठबंधन जरूरी है, महागठबंधन मतलब कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, आप कांग्रेस को ऑन बोर्ड नहीं लेकर आ पाए। नहीं देखिए, कांग्रेस को ऑन बोर्ड नहीं लेके पाए ये एक अलग चीज है, ये इंटरनल चीजें हैं, और जो विपक्ष का माहौल है इस टाइम मजबूत माहौल में हम हैं, महागठबंधन मजबूत कहाँ है सर, मजबूत कहाँ है? आप देखिएगा 23 तारीख को, 23 तारीख को की तरह है। मैडम एक सेकंड, आचार्य जी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में अभी क्या हाल हुआ बीजेपी का सबके सामने है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, वहां पर भी एसपी बीएसपी नाराज हो गए, 109 वहां पर भी एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, वो नाराज हो गए विधानसभा चुनावों के बाद। नहीं कौन नाराज हो गया मैडम, बाकायदा इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आप मुझे बताइए, क्या सरकार में हमें शामिल नहीं लगी हुई मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं,
और आप देखिए कि जो भी विपक्ष का माहौल है इस टाइम, चाहे वो तृणमूल, जो रिजल्ट सामने आएगा वो सबके सामने होगा और विपक्ष साझे की सरकार, साझा सरकार नेतृत्व करेगी। ये अभी भी कह रहे हैं 23 मई भाजपा गई, अभी भी उस मोड में है। यशवीर एक कोई कमेंट फिर मेरे रिपोर्टर रूपेश जुड़े हुए हैं। ये मौका परस्त लोगों का सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए महागठबंधन है, ना इनकी नीति स्पष्ट है, ना नेतृत्व स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है। सर दूसरी बात, आप पूरी बात करेंगे जी, अजीत झूठ बात करेंगे, पूरा देश देख रहा है, झूठ ये नीति है, गरीब बात के साथ अन्याय करेंगे, आरजेडी महागठबंधन के लालू जी अपने बच्चों का कैरियर बचाना चाहते हैं, रुपए नहीं मुलायम सिंह यादव को बचाना चाहते हैं, किसानों को बार मोदी सरकार हर किसान के मुंह से आवाज आ रही है, अपने उसके माध्यम से 3 प्रदेशों में अभी माध्यम से बात की। तो अपने पॉलिटिकल स्पीच यहाँ से मत दीजिए, आप मुद्दों की बात उठाइए और आप सवाल उठाइए, लेकिन आप स्पीच मत दीजिए यहाँ पर। अपनी बार मोदी सरकार 4 बार ही बोल दिया आपने, हमारे मंच का इस तरह से इस्तेमाल ना करें। आंचल जी रूपेश हमारे से जुड़े, आप जनता की सुनिए सर, ये टाइम जनता की सुनने का, उनको वेटर दीजिए। हाँ चलिए रूपेश के पास चलते हैं, ठीक है रूपेश के पास चलते हैं जयपुर। रूपेश जयपुर की जनता क्या कह रही है, अगर आपके पास आसपास लोग खड़े हुए हैं उनका भी मूड टटोलिए, क्या कह रहे हैं वो। देखिए लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और यदि राजस्थान के ग्राउंड रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ का जो सियासी मिजाज है वो कोस कोस में बदलता रहता है। जैसे मेवाड़ की एक मशहूर कहावत भी है कि जो तवे की रोटी है वो अलटती पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी कच्ची रह जाती है। लिहाजा वहाँ की जो सियासी तासीर है वो भी बदलती रहती है। अब बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद के जो चेहरे थे उन्होंने ज्यादातर विधानसभा चुनाव में लगा दिए, फिर चाहे मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की बात की जाए, हरीश चौधरी की बात की जाए, रघु शर्मा की बात की जाए, तमाम ये जो चेहरे जो सांसद पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाते थे, अपने क्षेत्र में अपना खासा दबदबा रखते हैं ऐसे नेता है, उन नेताओं का विधानसभा चुनाव में लड़ा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अब यह सबब बन चुका है कि आखिर अब कौन सा चेहरा होगा। यदि मैं जयपुर शहर की बात करूं या जयपुर ग्रामीण की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के पास कहीं ना कहीं चेहरों का अभाव है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। ठीक है, बड़ा सवाल यहां पर रूपेश से उठाया कि सारी एनर्जी तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में लगा दी, अब लोकसभा के लिए एनर्जी ही नहीं बची है और ना ही चेहरे बचे हैं। वैलिड पॉइंट उठाया रूपेश आपने, एक छोटे से ब्रेक आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव में रोड शो और रैलियों पर रोक की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार भी कर दिया है। दरअसल यूपी के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जिन्होंने ये याचिका दाखिल की, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रोड जाम हो जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और काफिले भी जब होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की, इस याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं करेगा, ये तय समय पर ही जब याचिका की सुनवाई करनी होगी, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसकी सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अरविंद, सत्ता का रास्ता दिल्ली की यूपी से होकर गुजरता है, ऐसे में यूपी की जनता क्या कहती है, अगर आसपास आपके लोग हों वो क्या कह रहे हैं, उनका मूड कैसा है। आंचल पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है और कैसे लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ एक बैंड है और हमारे साथ गायक है मिथुन महुआ जो कि बहुत कुछ लेके आए हैं। मैं पहले आपको कुछ सुनवाता हूं इनसे और उसके बाद फिर आपको जनता का मूड बताता हूं। तो मिथुन आपको सुनाइए पहले। मैं गायक मिथुन महुआ तमाम श्रोताओं को, हिंदुस्तान वासियों को प्रणाम करता हूं। सुनाइए। क्योंकि हजारों फूलों को मिलाकर एक हार बनता है, हजारों मोतियों को मिलाकर एक हार बनता है और सभी जाति धर्मों को मिलाकर मोदी जी के लिए प्यार बनता है, प्यार बनता है। एक संदेश उस देश के नौजवान जो शहीद हो गए उनके लिए भी मैं देना चाहता हूं आज इससे अपने। हाँ, ऐ प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो
जहां की रे सदा, ऐ प्रिय जहां की रे सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है भैया, यहाँ हम सारे लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं। लोगों के मन में इच्छा है कि मिथुन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्यों है, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि गायक मिथुन महुआ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्यों है, तो दो लाइनें वो बताइए मुझे यार। ओके हाँ, कुछ गा के ऐसा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए कि हिंदुस्तान के बंधु, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनके लिए, ये सब लोग जो ऑडियंस है, जो कार्यकर्ता है, ये उनसे नहीं मतलब है, पर हिंदुस्तान का आवाम क्या चाह रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ। कि हिंदुस्तान के बंधु मुसलमान हिंदू, हिंदुस्तान के बंधु मुसलमान हिंदू, गरीबों का नेता मोदी जी आ गए हैं, गरीबों का नेता मोदी जी आ गए हैं, हिंदुस्तान के बंधु मुसलमान हिंदू, हिंदुस्तान के बंधु मुसलमान हिंदू, गरीबों का नेता मोदी आ गए हैं, गरीबों का नेता मोदी आ गए हैं। और इसलिए कहा गया है कि मोदी जी के संग चलेगा सारा हिंदुस्तान, मोदी जी के संग चलेगा अरविंद भाजपा के संग चलेगा। ठीक है, हमारे साथ नए सिरे से नए पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, उनका तारुफ पहले करा दूं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा एसपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अजय रे टीएमसी लीडर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ता को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ जुड़े थे गेस्ट उनको जाना पड़ा कोई पर्सनल दिक्कत की वजह से। मुझे ये बताइए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अभी अभी जो सुना आपने कि पूरी तरह से मोदीमय नजर आ रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर, तीन गाने हमने सुने जो मोदी जी के लिए गाना गा रहे थे, वो बीजेपी का बैंड है लेकिन वो सारे के सारे गाने जो थे वो भारत माता के ऊपर थे और पूरा एजेंडा जो है वो अब राष्ट्रवाद पर ये चुनाव लड़े जाना है, तो आपका क्या रिएक्शन है? आचल जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, कम से कम आपने सवाल भी किया और अपने ही सवाल में आपने जवाब भी दे दिया। भाजपा का कार्यालय होगा, भाजपा का बैंड होगा, तो गाने राहुल गांधी जी के तो गाएंगे नहीं, अखिलेश यादव जी को तो गाएंगे नहीं। मैंने कहा भी उनको नहीं। गाने के पैसे ही मोदी जी के गाना गाने के लिए मिले हुए हैं तो जी नहीं नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो मैंने धन्यवाद दे दिया। तरह के गाने गाए हैं, मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैंने ये रिकॉग्नाइज किया और ये बात कही, मैं ये कह रही हूँ जो तीनों गाने गाए लगभग उन्होंने वो पूरे राष्ट्रवाद के रंग में रंगे हुए थे। सवाल इसलिए कि जनवरी के अंत और फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रियंका फैक्टर था, अब पुलवामा के बाद से पूरा का पूरा एजेंडा चेंज हो गया है, अब राष्ट्रवाद पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, रिएक्शन? आंचल जी आपका अपना मानना है और आपके अपने मानने और आपकी अपनी मीमांसा को हम धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। हम बहुत स्पष्ट बता दें कि राष्ट्रवाद हमारी रगों में है, हमारे कतरे कतरे में है। राष्ट्रवाद आज से नहीं, राष्ट्रवाद हमेशा से हमारे कतरे में रहा है। इसी राष्ट्रवाद की वजह से हमने अंग्रेजों को भी भगाया था, और जो इस समय ये राष्ट्रवादी होने का ढोंग कर रहे हैं वो उस वक्त क्या कर रहे थे वो भी आपकी जानकारी में होगा। चुनावी राष्ट्रवाद हमारे लिए विषय नहीं, हमारे लिए राष्ट्रवाद पूरा का पूरा राष्ट्रवाद, और जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ बारी आएगी तो पूरा का पूरा राष्ट्र सरकार के साथ खड़ा रहेगा, सरकार चाहे जिसकी रही हो। बहुत स्पष्ट रूप से हम बता दें आपसे। अब आप आ जाइए चुनावी एजेंडे पर। चुनाव एजेंडा उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, चुनाव मुख्य मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी पर होगा। अगर 10 करोड़ वो उन्होंने रोजगार दिए होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ वोट जाएगा, लेकिन अगर 10 करोड़ छलावे किए होंगे तो निश्चित तौर पर वोट उनके विरोध में जाएगा। किसानों की आत्महत्या अगर खत्म हो गई होगी तो निश्चित तौर पर वोट उनकी तरफ जाएगा, लेकिन किसानों की आत्महत्या 32 से 47% बढ़ गई है आंचल जी।
मजदूरों को मजदूरी अगर डबल हो गई होगी, किसानों की उपज अगर डबल हो गई होगी, तो निश्चित तौर पर वोट उनकी तरफ जाएगा। गाने ये जितने भी गाते रहे, गानों की तो क्या बात है, किसी को भी पैसा दीजिए गाना गवा लीजिए। सच्चाई है कि हमारे पास पैसे होते आज की डेट में तो हम भी भाजपा की तरीके से कार्यालय बना लेते। पिछले 5 सालों में जहां कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में IIT बनाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, भाजपा ने पिछले 5 सालों में अपना कार्यालय बनाया। अच्छा, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही के साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा बैठे हैं, उनका भी मैं रिएक्शन लूंगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जवाब थोड़े छोटे रखिएगा, आप एक ही लाइन में मुझे जवाब दीजिए। आज उनके पास बिल्कुल दीवार फिल्मी स्टाइल में आपसे मैं पूछती हूँ, आज उनके पास हेलीकॉप्टर है, प्रचार प्रसार है, बूथ मैनेजमेंट है, आपके पास और मोदी है, आपके पास क्या है, आपको कोई वोट क्यों दे? हमारे पास आपके पास तो नेता नहीं है, एक चेहरा तक नहीं है। हमारे पास जनता रूपी मां है भाई, आप हमारा जवाब ही नहीं सुनना चाहती हैं। हमने कहा है कि हमारे पास तो जनता रूपी मां है, जनता जनार्दन है, और हम ठीक है, जनता रूपी मां है, ठीक है, जनता जनार्दन है, आप समझिए हमारी बात को। हमारे पास वादे नहीं, हमारे पास इरादे हैं। हमने RTI दिए, हमारे RTE दी है, हमने राइट टू फूड दिया है, हमने मनरेगा दिया, हमने एक पाकिस्तान को दो पाकिस्तान, IITs दिए हैं, IIMs दिए हैं, भाखड़ा नंगल दिया है, हमने प्रथम हरित क्रांति दी है। लेकिन शायद आप ये बातें सारी 2014 से पहले दी थी, लेकिन शायद ये बातें आप कन्वे नहीं कर पाए। भारत निर्माण का नारा जरूर दिया, लेकिन कितना भारत निर्माण हुआ आप कन्वे नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा आपको 2014 में भुगतना पड़ा। अब मुझे आशुतोष वर्मा जी, मुझे ये बताइए, एक मंच के ऊपर सहमत हूँ आप, मैं आपसे सहमत, मुझे ये बताइए आशुतोष वर्मा कि सत्ता की चाबी रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तमाम सर्वेज ये कह रहे हैं, SP BSP और कांग्रेस एक मंच पे आने चाहिए थे, वोट कम कटता, कंसोलिडेट हो जाता और शायद NDA सरकार नहीं बना पाती। इसके बावजूद आप लोग एक मंच पर नहीं आ पाए, आप महागठबंधन नहीं कर पाए। अचल जी, देखिए ये सिक्के का एक पहलू है जो मीडिया देखती है, सिक्के के दूसरा पहलू है जो राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति करने वाले देखते हैं। आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे नेशनल फोरम पे खुलेआम बोला कि कांग्रेस मेरे साथ है, कांग्रेस गठबंधन में है और हम उसके साथ में हैं। अब ये बताना मुझे लगता नहीं है कि विरोधियों को बताना जरूरी है कि वो कहां कहां है और कैसे कैसे है। ये हमारी भी रणनीति है और हमने ये रणनीति सीखी है इन लोगों से, चालबाजों से। ये बात अखिलेश जी जरूर कह चुके हैं, आई ग्रांट यू दैट, लेकिन वो समझाइए कि ये रणनीति को आप जमीन पर कैसे उतारेंगे। आप तो पूरी की पूरी जो सीट का डिविजन है वो तो कर चुके हैं। देखिए आचार्य, मतलब कमजोर कैंडिडेट्स को जबरदस्ती उतारा जाएगा, पूरा माहौल मोदी में हो रखा है। मैं मेरी बात आचार्य जी पूरा मेरा उत्तर सुनिए। जैसे आपने पहले वक्तव्य में कहा कि पूरा माहौल मोदी में हो रखा है, तो अगर आप अपने घर की टेलीविजन ना खोलिए तो पूरा माहौल जो है एंटी मोदी में हो रखा है। चाहे देश का जवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, गरीब अनंता हो, दलित हो, पिछड़े हैं, वो खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं 23 मई को हमारी भी गिनती हो और हम बताएंगे कि ये मोदीमय होता क्या है, किस तरीके से देश को लूटा गया है, किस तरीके से देश को पीछे किया गया है। देखिए आचल जी, बहुत बड़े एक दार्शनिक और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य कहा था कि उस देश का पतन निश्चित है जिस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग वहां की जनता को देश के नाम पर डराने लगे, और आज ये बिल्कुल चरितार्थ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 2014 में बेरोजगारी, किसान पे, लोगों पे, लोगों की तकलीफों पे आए थे, आज खत्म होके राष्ट्रवाद। सर, आपने इतना लंबा राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल था कि आप आपसी मतभेद को खत्म क्यों नहीं कर पाए, आपके पास क्लियर रास्ता था, वो जवाब नहीं मिला। वो जवाब नहीं मिला। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, जनता यहां पर एक वैलिड क्वेश्चन उठाया और मैं चाहूंगी कि आपका फीडबैक आ रहा है, आप वो जवाब दें। उन्होंने कहा कि टीवी के ऊपर, खासतौर से न्यूज चैनल्स पर बहुत निशाना साधा जाता है, आई हैव टू बी फेयर। उनका ये कहना है कि अगर टीवी बंद कर दे तो जनता बहुत नाराज है, मोदीमय जो माहौल है वो सिर्फ टीवी चैनलों पर है, जो जनता है उसके बीच अगर जाए तो पता चलेगा कि कितना एंटी मोदीमय है माहौल।
देखिए आंचल, जिस तरह से ये पूरी जो चर्चा चल रही थी एंटी मोदीमय एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात की जाए, तो प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए, तो पहली बार ये हुआ 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद से जितने भी, चाहे वो बाय इलेक्शन हुए चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी के को जो है बहुमत जो है वो जनता के द्वारा दिया गया। ऐसे में रेवाड़ी से 2014 में बिगुल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फूंका गया था, तो इस बार एक बार फिर से हरियाणा को चुना गया। लोकसभा चुनावों से पहले उनकी पहली रैली जो है वो हरियाणा में हुई, और ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए तो तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरण है जिनको लेकर जो है जनता पूरा मन बनाकर बैठी है। जनता के पास ऑल्टरनेटिव बहुत है इस बार, और क्योंकि पहले जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और INLD, ये तीन प्रमुख दल जो है ये जो है सियासत पर काबिज रहा करते थे, लेकिन अगर बात की जाए इस बार तो कई ऐसे अन्य अल्टरनेटिव जो है वो जनता के पास हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जनता किसके साथ जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2014 के चुनाव में 8 सीटों पर लड़ी थी और 7 सीटों पर जो है वो काबिज हुई थी, जीत हासिल करी थी। कांग्रेस जो है मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, रोहतक की दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और INLD की अगर बात करें तो 2 सीटें उन्हें हासिल हुई थी अकाली दल के गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार जो है समीकरण बहुत बदल चुके हैं, चौटाला परिवार में फूट है, कांग्रेस जो है वो दो कई धड़ों में जो है वो बटी हुई है। साथ ही साथ अगर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के समीकरण जो है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह होगा कि लोकसभा में उसी परफॉर्मेंस को जो है रिपीट किया जाए। लोकसभा 2014 में जो है मात्र 3 सीटों तक सिमट कर रह गई थी कांग्रेस पार्टी जो है, लेकिन इस बार जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनके सामने जो है यह सबसे बड़ा चैलेंज है। कई चर्चाएं भी सामने आई कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, लेकिन पंजाब में होता वो है जो चीफ मिनिस्टर यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते, तो ऐसे किसी भी गठबंधन से उनके द्वारा पूरी तरह से नकार कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात की जाए, पुलवामा हमले के बाद जो आया एयर स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि हरियाणा की अगर आप बात करें आंचल, तो तमाम घर से आपको जवान मिलते हैं और तमाम घर जो है इस मुद्दे के साथ, राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं उसका देखना ये होगा कि किस तरह से हरियाणा की जनता जो है और पंजाब की जनता जो है वो किसके साथ जाती है, किन दलों के साथ जाती है, और किसकी सरकार जो है 2019 के इन लोकसभा चुनाव में बनती है। ठीक है विपिन, मैं आपने जो जो कहा उस पर रिएक्शन लूंगी सुरेंद्र सिंह राजपूत का, लेकिन गुजरात से हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए हैं। अरविंद, गुजरात मतलब बीजेपी की साख के ऊपर सवाल आता है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी वहां से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां से आते हैं, 26 में से 26 सीटें पिछली बार आई थी। ऐसे में अब कैसा मूड है, खास तौर से विधानसभा चुनावों के बाद, जहां पर बहुत हद तक बीजेपी की जो सांसें थी वो आखिरी मिनट तक अटकी रही। देखिए आचिल, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 26 को लेकर चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को ये साख का सवाल है कि वो 26 की 26 सीटें बरकरार रखे, क्योंकि वो 2014 का दौर था, एक लहर थी चुनाव में, और अब वो दौर बदला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव जो 2017 के पिछले चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह अहमदाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी के एक वरिष्ठ चेहरे अहमदाबाद से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है। इसके अलावा हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, कितना बड़ा फैक्टर होगा अरविंद, क्विकली? नाराजगी है हार्दिक पटेल के जुड़ने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा आंचल, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस प्रकार से राजनीति करते रहे हैं वो विश्वसनीयता उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं समाज में गमाई है। हार्दिक पटेल लगातार पिछले एक साल से जो बयान पर बयान बदलते रहे हैं, कभी राजनीति नहीं करूंगा, हालांकि आंचल अभी ये कन्फर्म नहीं है कि हार्दिक पटेल चुनाव लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हार्दिक के चुनाव लड़ने पे कानूनी पेचीदगियां हैं, और इसका हार्दिक पटेल ने बिल्कुल साफ इशारा किया है। हार्दिक पटेल अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो यादव स्थली यानी जामनगर से चुनाव लड़ेंगे। जामनगर जो है माडम परिवार का एक घर रहा है, यहां पर चाहे हार्दिक पटेल आ रहे हैं, अल्पेश ठाकुर कभी नाराज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस को जमीन पर वहां पर भी मैनेज करने के लिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत, अभी आपने देखा कि गुजरात से तो ठीक है कांग्रेस अपना घर संभाल रही है और ये कोशिशें तेज हो रही हैं, हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के भी जुड़ गए हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ से खास तौर से विपिन परमार ने कहा और राष्ट्रवाद जिसकी हम बात कर रहे थे, आपको ये कहीं कतई एहसास नहीं है कि देखिए मोदी जी एजेंडा हमेशा से सेट करती आई है और कांग्रेस जो है वो कैचअप गेम खेलती आई है, कर्नाटका बींग दी ओनली एक्सेप्शन विच आई विल ग्रांट यू,
तो ऐसे में अब पुलवामा अटैक और खास तौर से आप सबूत मांगते फिर ये, लेकिन बालाकोट स्ट्राइक के बाद उनको लगता है कि वाकई ये वो सरकार है जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। ये जन भावना है, जनरल परसेप्शन है, और परसेप्शन बैटल में हमेशा कांग्रेस हारती आई है। जवाब आंचल जी, देखिए परसेप्शन अपनी जगह पर, परसेप्शन बैटल 2014 में हम हारे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परसेप्शन बैटल हम मध्य प्रदेश में जीते, कर्नाटक में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान में जीते, और ये लोग तेलंगाना भी हारे और मेघालय भी हारे। आप इस चीज को समझिए, परसेप्शन बैटल अभी हारना सीख चुके हैं, जान चुके हैं और हार रहे हैं। गोवा में भी ये परसेप्शन बैटल हारे थे। हम आपको दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट बता दें कि राष्ट्रवाद हम सबके खून में है, हमारे, मेरे, आपके, रमन मलिक के, डॉक्टर साहब के, सबके, कोई ऐसा नहीं जिसमें राष्ट्रवादी जो नहीं है, कोई भी राष्ट्रद्रोही नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ कब हमारा नेतृत्व कमजोर था, जरा ये लोग बता दें, क्या 71 का नेतृत्व कमजोर था या उसके बाद की सारी कोई सरकार, अटल जी की सरकार कमजोर थी या मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर थी? तो इस तरीके की जो फालतू की बातें हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। आप लाभ ये है कि आप आतंकवाद की जड़ पर कठोरता से प्रहार कीजिए, कठोरता से प्रहार कीजिए बगैर कुछ इबट किए हुए, बगैर जी। अगर आज रमन जी, मैं समझ पा रही हूँ कि सुरेश सिंह राजपूत और रमन मलिक को जवाब देना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है। आई एम सो सॉरी रमन जी, आई नो दैट